कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आज 2 सितंबर को। और सोनी लिव ऐप पे देखिए जूनियर्स रजिस्ट्रेशन ओपन, रजिस्टर नाउ का सेक्शन जो है मिल चुका है। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कीजिए। और जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे, होम पेज पर ही आप पोस्टर सब जो दिखेगा उसको स्क्रॉल करते जाइएगा तो जूनियर्स रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आपको मिल जाएगा। चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें 8 साल से 15 साल के बीच के जो स्टूडेंट होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर नाउ का जो सेक्शन है इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ प्रोसेस जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उसी लैंग्वेज में आने वाला है। तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है तीनों के बॉक्स पर टिक मार्क आपको करना है और उसके बाद सबमिट करे का जो सेक्शन है इस पर जाके क्लिक कीजिए। उसके बाद रजिस्टर करे का ऑप्शन है, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे डिटेल्स डिमांड करेगा। ध्यान रखिए नाम यहाँ पे, जिस प्रतिभागी को पार्टिसिपेट करना है उसका नाम यहाँ पे सबमिट होगा और नाम वही डालिएगा जो आधार कार्ड पे नाम होगा ताकि बाद में मिस मैच ना हो। कई बार होता है प्रतिभागी का नाम कुछ और लोग डाल देते हैं, आधार कार्ड पर कुछ और होता है तो ये आगे चल के आपको परेशानी होगा। तो जो आधार कार्ड का नाम है वही डालिए। हम डम्मी के लिए यहाँ पर एक नाम डाल रहे हैं। ध्यान रखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इससे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का लेना देना नहीं है। हम सिर्फ डम्मी वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाम डालने के बाद दर्ज करेगा सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कराना पड़ेगा केबीसी टीम को। तो जो आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी है जिसका अभी आप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल के दर्ज करेगा जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो चालू मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालिए। और ध्यान रखिए आपके मोबाइल में जो सोनी लिव ऐप पे डाला हुआ है वहीं डालिए। यहाँ से जेंडर जो है वो सेलेक्ट कर दीजिए, 8 से 12 या फिर 12 से 15 जो भी यहाँ पे उम्र है वो डालिए। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सिटी आपका कौन सा है वो सिटी आपको यहाँ से चूज कर देना है। एक सिटी हम यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट करते हैं और दर्ज करेगा सेक्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन मेरे सामने आज का स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्र है, ये आज का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के चित्र पे सूर्य और चंद्रमा दोनों है। तो देखिए सबमिट कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो केबीसी टीम अगले 15 दिनों के अंदर आपसे संपर्क करेगी। देखिए इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन हम आपको रीड करके दिखा देते हैं। हम आपको बताए थे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच चलने वाला है। चलिए अब केबीसी के रूल्स और रेगुलेशन पर हम जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन है कितना दिन चलने वाला है। 7 दिनों का ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच जब आप टर्म्स ऑफ कंडीशन रीड करेंगे। देखिए ये केबीसी का जो है रूल्स है और इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर लेकर आते हैं। देखिए 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। डेली आपको सवाल का जवाब सबमिट करना होगा।